हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मज़े में। तो आज हम वड़ा पाव बनाएंगे। तो पहले हम उसकी रेड वाली चटनी बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें लहसुन डाला है। लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक उसे पकाना है। आप वीडियो में देख सकते हो, हमारा लहसुन पक के रेडी हो गया है। अब उसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और उसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। कोकोनट पाउडर को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमने जो लहसुन की कलियां रोस्ट की थी उसका छिलका उतार लेंगे और उसे मिक्सी जार में डालेंगे। फिर हम उसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये चटनी हमारी ड्राई होती है, इसलिए उसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है। अब उसे मिक्सी जार में चला लेंगे। तो ये आप वीडियो में देख सकते हो, हमारी लहसुन की रेड वाली चटनी बनके रेडी हो गई है। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया, पुदीना, तीखी वाली हरी मिर्च और आधा लेमन लिया है। इन सभी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल देंगे और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा और स्वाद अनुसार नमक डाल के उसे पीस लेंगे। बर्फ का टुकड़ा डालने से हमारी चटनी का कलर एकदम ग्रीन रहता है। आप वीडियो में देख सकते हो, हमारी हरी चटनी बनके रेडी हो गई है। तो ये हमारी वड़ा पाव की रेड और ग्रीन चटनी बनके रेडी हो गई है। अब हम वड़ा पाव का मसाला बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें सरसों डालेंगे। यहाँ पे हम सरसों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। फिर इसमें हल्दी पाउडर, तीखी वाली हरी मिर्च और करी पत्ते डाल देंगे। अब उसमें उबले हुए आलू डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम एक मिक्सर की मदद से आलू को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा वड़ा पाव का मसाला बनके रेडी हो गया है। मसाले को ठंडा हो जाने के बाद उसका गोल गोल शेप दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे बेसन का आटा लेंगे, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसका बैटर तैयार करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो, बैटर की कंसिस्टेंसी वैसी रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। अब ये आलू का गोल है, उसको बेसन में डाल देना है। आप वीडियो में देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह उसको तेल में फ्राई कर लेंगे। वड़ा को बीच बीच में पलटते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई करेंगे। तो ये हमारा वड़ा बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम एक पाव लेंगे, उसको बीच में से कट कर लेंगे और एक साइड हरी चटनी और एक साइड रेड चटनी लगा लेंगे और बीच में हमने तैयार किया हुआ वड़ा रख देंगे। तो ये हमारा टेस्टी वड़ा पाव बनके रेडी हो गया है। ट्राई जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।